Hi guys, my name is Huma Sarwar. Welcome back to my channel. In today's lesson, we're gonna look at the difference between pass out, faint and knockout. These three words, they are quite similar. की वजह से ऐसे होता है कि बहुत से लोग उन्हें आपस में मिक्स कर देते हैं. उन्हें सारी सिचुएशन का नहीं पता होता कि किस जगह पे और वो हैव टू यूज पास आउट, फेंट एंड नॉक आउट. आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल, दे ऑलवेज मिक्स this faint and pass out. They don't know the difference between faint and pass out, especially faint and pass out. So I will tell you the main difference between pass out, knockout and faint. So let's get started. Our first word is faint. Faint means become unconscious. Actually the meaning of all these words are unconscious. Unconscious ki aap अनकॉन्शियस में चले जाते हैं, आप बेहोशी की हालत में चले जाते हैं कि आपको आसपास की होश नहीं होती है. लेकिन इसमें माइनर सा डिफरेंस है, वो ये है कि फेंट में बिकम अनकॉन्शियस बिकॉज ऑफ सम मेडिकल सिचुएशन. इफ यू हैव सम डिजीज, इफ यू आर अफेक्टेड बाय सम हीट, इफ यू आर अफेक्टेड बाय द लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर इस तरह की कोई मेडिकल सिचुएशन हो जाती है तो उसके लिए हम फेंट का वर्ड यूज करते हैं. हम लोग काफी चीजों के लिए फेंट का वर्ड यूज नहीं करते. जस्ट लाइक अगर ड्रग्स के लिए हम फेंट का वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम लोग अल्कोहल वगैरह के लिए फेंट का वर्ड यूज नहीं करेंगे. फेंट का वर्ड हम लोग तब यूज करेंगे जब कोई मेडिकल कंडीशन होगी, फ्लू हो जाएगा या कोई और मेडिकल कंडीशन हो जाएगी, तो उसके लिए हम फेंट का वर्ड यूज करेंगे. बिकम अनकॉन्शियस बिकॉज ऑफ मेडिकल सिचुएशन. सो रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज द मेन रोल, बिकम मेडिकल सिचुएशन. इफ देयर इज अ मेडिकल सिचुएशन देन वी कैन यूज द वर्ड फेंट. द एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड इज द हीट मेड हिम फील फेंट. हीट है, आपके ऊपर हीट पड़ रही है, सन स्ट्रोक हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो उसकी वजह से कोई मेडिकल सिचुएशन हो जाती है कि हीट है, हीट की वजह से ऑक्सीजन लेवल आपका कम हो जाता है, आपको फील होता है कि आपका सांस रुक रहा है. तो द हीट मेड हिम फील फेंट, हम लोगों ने ये हीट का वर्ड यूज किया यहाँ पे, इसलिए फेंट हो गया है. अगर हमें यहाँ पे यूज करती अल्कोहल और ड्रग्स तो उसके लिए मैं फेंट का वर्ड यूज ना करती, वो मैं आपको बताऊंगी. नेक्स्ट वर्ड इज पास आउट. पास आउट का भी सेम मीनिंग होता है, बिकम अनकॉन्शियस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप पास आउट हो गए, आप अनकॉन्शियस हो गए, आप मींस आप अपने होश में नहीं रहे हैं, आप बेहोश हो गए हैं. तो द एग्जाम्पल ऑफ, अच्छा इसके अंदर एक चीज याद रखिएगा, फेंट में यह था कि मेडिकल सिचुएशन होगी देन वी कैन यूज द वर्ड ऑफ फेंट. बट पास आउट में हम लोग किसी भी सिचुएशन में हम पास आउट का वर्ड यूज कर सकते हैं, आइदर दैट इज मेडिकल सिचुएशन और नॉन मेडिकल सिचुएशन. कि अगर आप ड्रग्स या अल्कोहल वगैरह लेते हैं, उस सूरत में अगर आप पास आउट हो जाते हैं, उसकी सूरत में आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो उसके लिए हम पास आउट का वर्ड यूज करेंगे. अगर हीट हो जाएगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी या कोई और मेडिकल सिचुएशन भी हो जाएगी, उसके लिए भी हम पास आउट का वर्ड यूज कर सकते हैं. द एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड इज He drank too much and he passed out. He drank too much कि उसने बहुत ज्यादा अल्कोहल पी ली थी और अब वो अनकॉन्शियस में चला गया है, वो बेहोश हो गया है. तो देखिए यहाँ पे drank के लिए means अल्कोहल के लिए मैंने यूज किया पास आउट का वर्ड, इसके लिए मैंने faint का वर्ड यूज नहीं किया. मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकती कि he drank too much और he fainted. No, faint का वर्ड सिर्फ और सिर्फ मेडिकल सिचुएशन में आएगा. ड्रिंक करना या कोई भी ड्रग्स वगैरह लेना, दैट इज नॉट अ मेडिकल सिचुएशन. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पीपल वर पासिंग आउट फ्रॉम द हीट. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने दो चीजें मेंशन की हैं कि आप अल्कोहल के लिए भी आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, इस फ्रेज को, पास आउट को, और आप मेडिकल सिचुएशन के लिए भी आप पास आउट को, इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं. पीपल वर पासिंग आउट फ्रॉम द हीट, कि पीपल बहुत ज्यादा हीट थी, उस हीट की वजह से लोग अनकॉन्शियस में जा रहे हैं. यहाँ पे मैंने हीट का वर्ड यूज किया है, हीट का वर्ड यूज किया और उसके साथ मैंने फेंट का वर्ड यूज किया है. सेम यहाँ पे पीपल फेंटेड आउट, हम लोग कह सकते हैं कि पीपल फेंट हो रहे थे फ्रॉम द हीट, हीट की वजह से. लेकिन इस सिचुएशन में हम लोग फेंट को यूज नहीं कर सकते, हम लोग फेंट को सिर्फ मेडिकल सिचुएशन में यूज कर सकते हैं. लेट्स मूव टू द नॉक आउट. अवर नेक्स्ट फ्रेज इज नॉक आउट. नॉक आउट मीन टू मेक समवन अनकॉन्शियस, के अनकॉन्शियस में किसी को लेके जाना, स्पेशली व्हेन यू हिट ऑन हिज हेड, जब आप उसके हेड पे मारते हैं तो उसकी वजह से जो इंसान अनकॉन्शियस में चला जाता है, उसके लिए हम लोग
नॉक आउट का फ्रेज यूज करते हैं टू मेक समवन अनकॉन्शियस बाय हिटिंग समवन इन द हेड, कि अगर हमने हेड पे कोई चीज मारी उसकी वजह से कोई अनकॉन्शियस में चला जाता है तो उसे हम नॉक आउट कहते हैं. ही हिट मी, उसने मुझे मारा एंड नियरली नॉक मी आउट, और मुझे तकरीबन बेहोश कर दिया. ही हिट मी, कि अगर आप मारते हैं किसी को तो उसकी वजह से जो इंसान अनकॉन्शियस में चला जाता है, यहाँ पे कोई मेडिकल सिचुएशन स्पेसिफिकली अप्लाई नहीं होती, हो सकती है लेकिन स्पेसिफिकली ऐसा नहीं होता कि सब फेंट में हुआ था, कि हम लोगों ने सब मेडिकल कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं. इसी तरीके से पास आउट था, उस पर कोई मेडिकल सिचुएशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था. इसमें सिचुएशन ये है कि अगर कोई आपको मारता है तो उसकी वजह से अगर आप अनकॉन्शियस में चले जाते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे नॉकआउट. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही वॉज हिट इन द हेड, कि उसे सर पे मारा एंड ही वॉज नॉक्ड आउट, और उसकी वजह से वो बेहोश हो गया. अब यहां पे देखें, मैंने भी आपको बताया था कि अगर सर पे मारते हैं, ठीक है, सर पे मारते हैं, स्पेसिफिकली ये यूज होता है कि अगर सर पे मारते हैं, लेकिन अब काफी जगह ऐसे भी यूज होता है कि अगर आपको मारा जाता है जिसकी वजह से आपके ब्रेन के ऊपर, आपके माइंड पे थोड़ा सा इफेक्ट हो जाता है, तो उसके लिए हम कह देते हैं कि ही वॉज नॉक्ड आउट. ही वॉज हिट इन द हेड एंड ही वॉज नॉक्ड आउट, के उसे उसके सर पे मारा और उसकी वजह से वो नॉक आउट हो गया. सो आज के लेसन में हम लोगों ने तीन फ्रेजेस देखे. फर्स्ट हमारा वर्ड था फेंट. फेंट है मेडिकल सिचुएशन में अगर आप अनकॉन्शियस में चले जाते हैं. पास आउट है जिसमें कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है, कि कोई मेडिकल सिचुएशन कुछ ऐसा नहीं है. और नॉक आउट में अगर आपको मारा जाता है उसकी वजह से अगर आप अनकॉन्शियस में चले जाते हैं तो उसे इसके लिए हम नॉक आउट का वर्ड यूज करते हैं. अब तीनों में एक चीज कॉमन है कि अनकॉन्शियस में जाना, कि अगर आप अनकॉन्शियस में जाते हैं किसी भी सिचुएशन की वजह से तो उसके लिए डिफरेंट वर्ड्स और डिफरेंट फ्रेजेस यूज होते हैं. तो ट्राई कीजिएगा कि इन वर्ड्स को आप, इन फ्रेजेस को अपनी डेली रूटीन में, अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज करें. अगर आप इनको अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज करेंगे देन यू कैन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज फ्रेजेस एंड यू विल अंडरस्टैंड द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज फ्रेजेस. So I hope you like this lesson. If you like this lesson, then please like and subscribe my channel. Thank you so much.